आप भी चाहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी चैट्स में जो है न्यूडिटी प्रोटेक्शन एनेबल करना, जिससे आपको कोई भी कुछ गलत फोटोज ना भेज पाए इंस्टाग्राम पे, एंड उससे पहले ऑटोमेटिकली आपको पता चल पाए वो फोटो ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाए, सेंसर हो जाए। तो आप ये चीज कैसे कर सकते हैं इस न्यू फीचर की मदद से, इस वीडियो में सबसे ईजी एंड बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन, आप सभी स्वागत है एक नई वीडियो में। वीडियो एंड तक देखते रहना, शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूंगा, धीरे धीरे जो है इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा चेंज कर रहा है। जैसे पास्ट टाइम में जो है सेंसिटिव कंटेंट कंट्रोल ऐड कर रहा था, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, एंड अभी जो इंस्टाग्राम ने एक न्यू फीचर ऐड करा है जिसका नाम जो है न्यूडिटी प्रोटेक्शन है, जिससे आपको जो है चैट्स में या फिर मैसेजेस में कोई भी पर्सन, आपका कोई फ्रेंड भी हो, तो वो भी अगर आपको कोई ऐसी आपको गलत फोटो सेंड करता है, फिर उस फोटो में या फिर वीडियो में कुछ भी न्यूडिटी होती है, ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगी कुछ इस तरीके से, एंड आपको जो है लिखा भी आएगा, उसके ऊपर टैप करेंगे, सी फोटो करेंगे, तभी आप उसको देख पाएंगे। अब आपको ये चीज कैसे इनेबल करनी है, स्पेशली अगर आप एक फीमेल कंटेंट क्रिएटर हैं, इंस्टाग्राम यूजर हैं, तो मैं आ चुका हूं मेरे इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हो इस तरीके से फोटो है। अब मैं सी के ऊपर क्लिक करूंगा तब मुझे फोटो दिखाई देगी, फिलहाल मैं नहीं करने वाला हूं यहाँ पे। तो ये चीज मैंने कैसे करी अपनी चैट्स में, डीएम्स में, तो यहाँ पे आपको कैसे ये चीज करने, देख सकते हो फोटो में कंटेंट न्यूडिटी। तो आपको जाना अपने अकाउंट के ऊपर थ्री लाइन्स के ऑप्शन पे, जैसे आप करेंगे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाईज का, जैसे आप टैप करेंगे तो आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको जो सबसे नीचे ऑप्शन दिखाई देगा न्यूडिटी प्रोटेक्शन, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये टर्न ऑफ रखा होगा, इसको टर्न ऑन कर देना है, ऑप्शन भी आएगा टर्न ऑन का, जैसे आप ये चीज कर देंगे, अब बस इतना सा काम है। अब क्या होगा कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा आपको कोई भी पर्सन फोटो भेजता है कुछ ऐसी गलत सर्विस में फोटो है, तो आपको जो दिख जाएगी, जैसे मैं अपने दूसरे अकाउंट को भेजता हूँ हाइपर सोशल को, यहाँ पे जो है मैं एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ, ये है नहीं एक्चुअली लेकिन उस टाइप की है, तो क्योंकि मैं यहाँ पे भेजता हूँ तो ये ब्लर कर देता हूँ, क्योंकि भाई यूट्यूब की गाइडलाइंस अलग है। तो यहाँ पे मैंने भेजी, तो अब क्या करता हूँ वापस अकाउंट पे आऊंगा तो आपके सामने है, जैसे मैं फोटो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फोटो में कंटेंट न्यूडिटी, तो देख सकते हो ये ओपन नहीं हो रही है, ठीक है, फिल्टर आ चुका है, यहाँ पे सेव भी नहीं कर पाऊंगा इसको जब तक मैं इसके ऊपर टैप नहीं करूंगा, जैसे मैं टैप करूंगा तो फोटो खुल जाएगी। तो इस तरीके से जो है फीचर काम करता है, इस तरीके से फिल्टर काम करता है, आप बोल सकते हो प्रोटेक्शन काम करता है, तो ये बहुत ज्यादा काम का फीचर है, काफी अच्छा फीचर है, बहुत ज्यादा अच्छा करा। तो अगर आपने इसको इनेबल नहीं करा अभी तक तो आप इसको जरूर से इनेबल करो, ध्यान देना कि एक पर्सन पे अप्लाई हो जाएगा, चाहे आप इंस्टाग्राम पे किसी से बहुत टाइम से बात करें या फिर बात नहीं करें, तो सब पे अप्लाई होगा। आप लोग बताना कैसे लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में। इतना सा वीडियो, मेरा आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जैसे करना, शेयर जैसे करना, साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलता है न्यू वीडियो के लिए, बाय गाइस, जय हिंद।